लाइन एक बार गाइस, लाइक कर देना 7 to 8,000 है, ठीक है। तो गाइस पापा पहली बार ब्लॉग में है और पापा ने इस बार लाइक टारगेट रखा है 7 to 8,000, तो पापा के लिए 7 to 8,000 लाइक्स कर देना यार, और कर दो यार, खुश होके करना, खुश होके करना। येलो गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज न्यू डे, न्यू पीपल, न्यू लोग, एंड 50 के होने वाले हैं भाई। सब्सक्राइब कर दो, जितने वीडियो देख रहे हो 50 के पहुंचा दो यार। हैप्पी टीचर्स डे, अगर जितने भी टीचर्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हैप्पी टीचर्स डे टू यू ऑल। एंड यार तुम्हारी शिक्षा की जैसे हम इतने तक तोरे बैठे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लाइक टीचिंग वंडरफुल थिंग्स टू योर स्टूडेंट्स, टू अस। एंड टीचर तो फिर यार भगवान का रूप ही होता है। एंड गाइस एक और चीज, आज का दिन थोड़ा सा होने वाला है स्पेशल, क्योंकि आज देखो मैं ब्लॉग भी लेट शुरू कर रहा हूँ, आज किसी को राज भी नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि आज हम जाने वाले फैमिली डिनर, तो मैं बोला था ना उसके बाद हम मिलेंगे आपसे जल्दी तैयार होके, ठीक है। अभी पापा भी तैयार हो रहे हैं, मम्मा भी तैयार हो रही है, तो उनको तो तैयार होके दिखाएंगे, हमारा क्या, हम तो ऐसे ही आ जाते हैं, डाल लिया कपड़े नपटे पुराने, चप्पल डाल लिए वो। गुशीन कहती मैं भी रेडी होके मिलूंगी, तो मेरे को हमेशा ऐसे ही ले लेता है ये वो। मैंने चल कोई दिक्कत नहीं है, हो जा रेडी, कोई चक्कर नहीं। तो हम डिनर करने कहां जा रहे हैं, हम डिनर करने जा रहे हैं एरो सिटी। गाइस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या डाले, कपड़े निकाल के रख दिए सारे, मम्मी को भी समझ नहीं आ रहा, पापा तो अपना टच रेडी हो गया फटाफट कपड़े निकाल। गाइस ये है मेरी डिनर आउटफिट, गुशीन और मैं कर रहे हैं ट्विनिंग आज, है तो ये हमारी डिनर आउटफिट है गाइस, हम डिनर पे जा रहे हैं, गुशीन आज डिनर पे जा रहे हैं, गुशीन की आउटफिट है गाइस। गाइस पापा की आउटफिट, ओए होए क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं फिर आज? कहाँ जा रहे हैं? ठीक है डन है। तो आज गाइस हम डिनर पे जा रहे हैं, पापा मेरी पगड़ी की ट्विनिंग होगी, मजा आ जाएगा। बस आज गाइस हम सारे रेडी हो चुके हैं डिनर पे जाने के लिए, ये पापा तो रेडी हो चुकी है मम्मी की। ये गाइस मैंने पापा से सीखा, आप देख लो पापा कितनी बार कर चुके हाथ ऊपर, फिर तुम बोलते मम्मी की आउटफिट, पापा की आउटफिट, और हम हो गए रेडी। गाइस वी आर एट द लोकेशन, एंड उसके बाद हम प्लान करते हैं कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, उसके फिर अभी क्योंकि रेस्ट वेस्ट कर रहे थे, पापा आए थे अपना एरो सिटी, सो लेट्स मीट यू गाइस। ओके हाथ किसने छाप रखा है, बैठे हो, वेटिंग चल रही, वेटिंग तो गाइस डिनर वगैरह करके आ गए हैं, बहुत मजा आया डिनर में। मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि पापा कह रहे थे कि एंजॉय वगैरह कर ले, डिनर ब्लॉग वगैरह घर जाके बना लेंगे, कोई और टॉपिक भी बना लेंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम एंजॉय करते हैं, कहते हैं आगे भी तो हमने प्लान करना ही था वो फैमिली डिनर वाला, वो अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेंगे, ये वाला भी ऐसे ही कर लेते हैं। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत मजेदार ब्लॉग है भाई, आगे तुम देखना एक बार, ओए होए 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 देख लेना। हेलो गाइस, पापा साइड में खड़े हैं, तो आज एक ब्लॉग चाहिए था हमें फटाफट, देखो साइड में खड़े दोनों गाइस, गेस हो गया है इधर टाइटल और थंबनेल से, लेकिन आज का ब्लॉग है हु नोस मी बेटर, मॉम वर्सेस डैड। तो बताओ कौन ज्यादा जानता है मम्मा? नहीं नहीं आप कुछ नहीं बताया बारे में, नहीं सही, आप सीरियसली बता रहा हूँ, असली वाला, कोई मजाक नहीं, कोई आपसे लेके पैसे नहीं, जो मेरे को ज्यादा जानता होगा ना उसको 10,000 रुपए इनाम। हाँ देखते हैं गाइस कौन ज्यादा जानता है, मैं क्वेश्चन भी उल्टे सीधे पूछने वाला हूँ, बिल्कुल तैयार हो? तैयार है, देखो। तो यार अब मजा आने वाला है देखो, क्योंकि अभी ना मेरे को पता है पापा बस बैठ गए हैं, इनको सही इनको सही कितने आराम से कह रहे हैं ये चीजें, इनको सही में मेरे को नहीं लग रहा पता लेगा। ठीक है करें स्टार्ट, करें ऐसे थोड़ी बात है, नहीं मैं भी तो आऊंगा। तो गाइस मैं ट्राइपॉड पे लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन पूछना शुरू करता हूँ, क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, मैं टाइप लेके आया हूँ उसमें पढ़े क्वेश्चन, और पूछना शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं कौन कितना जानता है दोनों में से मेरे को। आज तो बिल्कुल सेम है, गुरशीन तो चलो छोटी थी, आज तो बिल्कुल सेम चलेगा मामला, देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। हाँ अगर पापा हारे है, पता तो होना चाहिए ना फादर होने के नाते, अगर पापा हारे तो ये मेरे को 20,000 देंगे, बताओ भाई बताओ। पर्ची बना देंगे ना,
नहीं पर्ची मेरे से घूम जाएगी। बताओ फिर। नहीं कुछ 2-10,000 ऐसे नहीं होता यार। दोगे 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 हाँ नहीं बोलेंगे। मैं ना थंबनेल क्लिक करवा रहा हूँ। मैं पापा को ऐसे ना सोचो थंबनेल के लिए ऐसे सोचो सोचो ना ऐसे नहीं ऐसे थंबनेल करना है ऐसे सोचो ऐसे कर रहा हूँ। अरे आंसर देना दे कह रहा 10-4 आएगा। अरे ऐसे सोचो कि थंबनेल जो शुरू में लगाता हूँ ना फोटो वो कर। मैं आपको कह रहा हूँ थंबनेल लगाना है ऐसे सोचो क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा ऊपर करो। बैठ के करना सोफे में। तो गाइस शुरू करते हैं। रेडी हो? रेडी एकदम सीधे होकर रेडी बैठो सर। ये लो। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि रात हो रही है हैं? ये बताओ मैं कौन सी पोजीशन में सोता हूँ? कौन सी पोजीशन में सोता हूँ? साइड पोजीशन में। साइड कौन सी साइड? कैसे? ऐसे। आप बताओ मम्मी। ठोके ऐसे, बिल्कुल ऐसे उल्टा होता है। मम्मी को मिलता है। तो चलो अब जैसे टीचर्स डे है तो ये बताओ जो मेरे को स्कूल के पार्ट जो टीचर पढ़ाते थे उसमें मेरा फेवरेट टीचर कौन है? ये क्या बताओ यार, आपने ध्यान ही नहीं दिया, सारा मेरे पे छोड़ दिया। बताओ 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 बताना पड़ेगा। सर का नाम है हिमांशु। मैथ्स वाले मदान सर और फिजिक्स वाले वो तेरे हिमांशु सर और केमिस्ट्री वाले बड़े सर हिमांशु सर। हाँ पापा को जाता है एक पॉइंट। इनको नाम ही दिया था हिमांशु सर क्योंकि जनकपुरी में। हाँ इंस्टीट्यूट का नाम कुछ नहीं बता यार। ये बताओ मेरे को माउंटेन पसंद है या बीच? माउंटेन। यार ये क्या मतलब है, तू फेस उधर करके पूछ ही जा रहा है। तो वही तो पापा कह रहे हैं पता ही नहीं, मैं देखता हूँ वही पता। दो पॉइंट हो गए जीत रहे हैं। ये बताओ अगर किसी को याद है तो लास्ट टाइम मैं घूमने कहाँ गया हूँ और कब आउट ऑफ दिल्ली? हाँ 3 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट है तीन। मम्मा सोच रही है ना? मैं नहीं, मैं भी देख रही हूँ कितना पता है इनको। ये देख रहे हैं और मैं चेक कर रहा हूँ। अब एक और बात है, मैं मनी स्पेंड करना पसंद करता हूँ या सेव करना? स्पेंड। ओ तेरी स्पेंड। नहीं गाइस सेव करता है। कोई नहीं सारी सेव नहीं। अब जैसे घूमने फिरने आंसर तो पता है यार पापा को, सारे ये देख रहा हूँ मैं। घूमने फिरने का पता है, मम्मी को पता है पढ़ाई पढ़ाई वाले, ये तो अब देख रहा हूँ मैं, ये मेरे को समझ आ रही है ये चैलेंज करके। तो अब मेरे को ये बताओ कि पूरे साल में सबसे बढ़िया टाइम मेरे को कौन सा लगता है? मेरे को गाइस क्रिसमस का टाइम बड़ा अच्छा लगता है 25 से 30। और इस बार मैं इन दोनों के सामने एक रिवील कर देता हूँ चीज, हमारा क्रिसमस और न्यू ईयर कहीं पे और होएगा इस बार। मैं जब शादी की बात होती है मेरे को पसंद है या नहीं पसंद? नहीं पसंद। नहीं पसंद। तो अब मेरे को ये बताओ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। सही बता रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे को ना चाहते हैं पूछने पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो क्वेश्चन अब ऐसा है देखो, दोनों ने मेरे को ना लड़की के साथ पकड़ा हुआ है, लड़की इन द सेंस गर्ल के साथ मेरे को दोनों ने पकड़ा हुआ है। अब ये बताओ कब और कहाँ?
स्कूल में नहीं, स्कूल के छोड़ के मैं पार्क में भी जाता है भाई, है बहुत पार्क में पापा ने देखा था। पापा ने तो उस टाइम देख लिया, आपने कब देखा था? मैंने कब देखा? जब पार्किंग में मिलने आई थी। पार्किंग में मिलने यार, यही मैं एंड कर रहा हूँ। इन्होंने मेरे को लगा कुछ और बोलेंगे, इन्होंने तो भाई अल्लाह की चीज बोल दी भाई। सो ये गलत हो गया, ये गलत बता दिया भाई। स्कूल टाइम बचपन का टाइम था, कोई चक्कर नहीं, छड्डो परा। नहीं स्कूल टाइम की बात नहीं कर रही मैं, ये अभी वाली बात कर रही, कॉलेज वाली। स्कूल टाइम नहीं है। अरे बच्चा ज्यादा नहीं डांटेगा। गाइस मैं विनर अनाउंस कर रहा हूँ, विनर है पापा। तो पापा विनर है गाइस, और अभी आपके सामने हम देंगे इनाम। तो शुरू करते हैं प्राइज मनी के साथ। मैं तो देखती रह गई, मैं तेरे देखा से आंदा कि नहीं आंदा। तो ये गलत हो गया गाइस, ये ब्लॉग 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 के चक्कर में गलत हो रहा है ये, ऐसा सही बता रहा हूँ। तुम को रुक जो, वेल डन। हां वेल डन, वेल डन। ये लो प्राइज मनी, थैंक यू गाइस। जीत चुके हैं पापा। शादी नहीं करनी चाहिए, मेरे को याद है, छोड़ूंगी थोड़ा ना। तो दो तीन कर लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस ये फंक्शन तो चलता रहता है यार, बातों को सीरियस लेने की लोड नहीं है। एंड आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने तो बहुत। पापा के भी हाथ खड़े, मेरे भी हाथ खड़े, देख रहे हो, देख रहे हो। तो तो गाइस ब्लॉग को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और क्या करना है, लाइक कर देना गाइस। ओए चैनल सब्सक्राइब। पापा आप मांग कितने लाइक्स बोल रहे हो, आप पहली बार बोल रहे हो, आपकी बात मान लेंगे। 7 to 8 thousand, मैं तो इसके साथ ही हूँ। पूरा बोलो फिर लाइन एक बार गाइस। गाइस लाइक कर देना, 7 to 8 thousand है। ठीक है, तो गाइस पापा पहली बार ब्लॉग में है, और पापा ने इस बार लाइक टारगेट रखा है 7 to 8 thousand। तो पापा के लिए 7 to 8 thousand लाइक्स कर देना यार, और कर दो यार, खुश होके करना, खुश होके करना, ये लो खुश होके करना लाइक। तो गाइस इसी के साथ